जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास, जो कि आज की क्लास है ट्रेन से जुड़ी हुई रेलगाड़ी संबंधी प्रश्न। और रेलगाड़ी से संबंधी प्रश्न हर कॉम्पिटिटिव में आते हैं, तो आपने इसका ना बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर एडवांस तक का जो है वो सीखना है। और मैं आपको वन टू वन क्वेश्चंस करवाऊंगा, बढ़िया से बढ़िया। तो ये है आपके मेन बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि चल रहे हैं आपके या शुरू करने वाला हूं, तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपने उठाना, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इसका ट्रेन चैप्टर का, ध्यान से सुनिएगा। रेलगाड़ी के ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। सबसे पहले तो आपने एक बात याद रखनी है मेरी कि एक रेलगाड़ी जो है, जैसे ये मैं एक रेलगाड़ी बना रहा हूं, ठीक है, तो ये एक पोल तक जाएगी, है ना, ठीक है। तो ये क्या करेगी, एक दूरी तय करेगी, क्या करेगी, दूरी यानी कि डिस्टेंस को कवर करेगी, है ना, ठीक है। जब ट्रेन चलती है तो यानी कि उसकी जो स्टार्टिंग वैल्यू होती है वो जीरो होती है, क्या होती है उसकी वैल्यू, जीरो होती है। वैल्यू जीरो का मतलब बोला कि इसकी जो स्पीड है, क्या है, स्पीड मतलब चाल। अगर खड़ी है गाड़ी तो जीरो हुई स्पीड, और चल रही है तो कुछ ना कुछ उसकी स्पीड होगी। अगर जैसे कई बार बच्चे बोलते हैं कि मैं 20 किलोमीटर गया और 100 की स्पीड में गया, ठीक है, बाइक वाले होते हैं, स्टंट मार रहे होते हैं, तो स्टंट मारते हैं तो बड़ी भाई फेंकते हैं वो ऊंची ऊंची, तो बड़ी भाई स्पीड से गए, तो 100 का क्या मतलब हुआ, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, यानी कि वो उसकी स्पीड आई, है ना। तो उसने क्या किया, कुछ डिस्टेंस कवर किया, वो स्पीड से किस स्पीड से किया, तो 100 किलोमीटर पर आवर हो सकता है, यानी कि एक आवर में जो है उसने 100 किलोमीटर की दूरी तय की, जगह एक आवर में उसने 100 किलोमीटर की दूरी तय की। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ उसने टाइम में कवर की, यानी कि यहां तक अगर वो पहुंचता है 100 किलोमीटर की दूरी तक, तो यानी कि वो टाइम लगा ना उसको पहुंचने में, समय यानी कि, है ना, ठीक है। तो इसका मतलब जब भी उसकी जो स्पीड है, क्या है, स्पीड है, वो हमने, मैंने अभी आपसे बताया कि उसने क्या बोला था, मैं 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा हूं, कितनी की, 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो इससे ये निकलता है अर्थ कि जो स्पीड है, अब 100 तो ठीक है, ये किलोमीटर यानी कि यूनिट किसकी है, डिस्टेंस की, किसकी है, डिस्टेंस की यानी कि दूरी की, पर आवर अपॉन, ये आ गया आवर मतलब समय, टाइम। तो इससे हमारा फॉर्मूला क्लियर हो गया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम के इक्वल होगा। ये मेन बेस कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब कई बार ऐसे भी हो सकता है कि 100 मीटर पर सेकेंड, तो इसका यानी कि मीटर, मीटर किसकी यूनिट है, डिस्टेंस की, सेकेंड किसकी यूनिट है, टाइम की। इसका मतलब दोनों के केस में जो है स्पीड यानी कि इक्वल, यानी कि फॉर्मूला सेम रहेगा, डिस्टेंस ओवर टाइम यूनिट्स पे डिपेंड करता है कि यूनिट किलोमीटर्स में है या मीटर्स में है। तो वो जो यूनिट है वो हमने बहुत ध्यान से समझनी है, ठीक है जी। अब क्या है कि मैंने आपको ये तो बता दिया कि यानी कि हमारी जो स्पीड है वो दो प्रकार से हो सकती है, क्योंकि यूनिट की वजह से जो है वो चेंजिंग आ रही है, बदलाव आ रहा है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, देखिए ध्यान से, स्पीड अगर आपकी किलोमीटर पर आवर में दी है और आप चाहते हो कि नहीं भैया वो तो मीटर पर सेकंड में क्या हो जाए, चेंज हो जाए, क्या हो जाए, चेंज हो जाए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, उसको आपने जो चाल है उसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट, क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आपने चाल
मीटर पर सेकंड में दी गई है और आपको रिक्वायरमेंट जरूरतें पता कैसे लगती हैं वो भी मैं आगे सिखाऊंगा। अगर बदलना पड़े तो आप किलोमीटर पर आवर में भी बदल सकते हैं, मतलब एक यूनिट को छोटी को बड़ी में कन्वर्ट कर सकते हैं, बड़ी को छोटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बस वो जो है वो उसकी यूनिट सी आ रही है। जैसे कि अगर आवर है तो सेकंड्स में बदलना है तो मिनट और सेकंड लेंगे, 60 × 60 3600 आ जाता है, ठीक है जी। ऐसे किलोमीटर है तो मीटर्स में बदलना है तो 10,000 आ जाएगा उसका, तो 10,000 × 3600 कर लो तो आपका कैलकुलेट हो जाएगा। देखो कैसे बोल रहा हूं, 10,000 ये आ गया, ओवर 60 × 60 कर लो तो 3600 हो गया, 2 0 से 2 0 गए, अब काटिए इसको, किससे कटेगा, 2 से काट लेते हैं, ठीक है, 2 × 2 = 16, 2 × 5 = 10, ठीक है जी, 2 × 9 = 18, है ना, ठीक है। नहीं 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 नहीं, 1 0 का कुछ मैंने मिस्टेक कर दी, 10,000 नहीं लेना था, 1,000 लेना, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1,000 आता है ना, मैंने 10,000 ले लिया, 10,000 नहीं था, 1,000 मीटर के इक्वल हुआ ना, ठीक है, 1,000/60 × 60 यानी कि 3600 जो मैं आपको बोल रहा था, 1,000/3600, 2 0 से 2 0 भी, अब 2 से गया, 2 × 2 = 16, 2 × 5 = 10, 5/18 आया, नहीं आया समझ, आया ये कहां से आया 5/18, क्लियर है। साथ साथ में जो है कमेंट करते रहिए, मुझे पता लगता रहे कि आपको समझ आ रहा है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसी प्रकार से जब आपने मीटर से सेकंड्स में बदलना है तो आपने उल्टा कर देना है, 18/5 से जो है चाल को मल्टीप्लाई करना, क्या बोल रहा हूं मैं, अब 18/5 से वो किलोमीटर में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, इतना क्लियर है, ठीक है। एक तो ये बात हो गई और दूसरा आपने ये लर्न रखना है कि जो चाल है स्पीड है वो डिस्टेंस ओवर टाइम के बराबर होती है। इसी प्रकार से अगर टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस ओवर स्पीड हो जाएगा, और अगर डिस्टेंस निकालना हो तो स्पीड इनटू टाइम के इक्वल होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये जो हमारी गेम है वो गेम किसके ऊपर चल रही है, दूरी कितनी तय की, किस चाल से की और कितने समय में की है, ये ही गेम हमारी जो है वो इस चैप्टर पे चलती है। कुछ अलग कॉन्सेप्ट्स भी हैं ट्रेन के, वो भी आपको मैं क्लियर कर दूंगा साथ में, और वीडियो कुछ अच्छा लगे तो साथ में ही शेयर करना है आपको, तो दोस्तों को भी पता लग जाए। नोट याद, एक ट्रेन इधर जा रही है, दूसरी ट्रेन भी इसी मुंह पे, दोनों एक ही साइड पर जा रही है, एक ही दिशा में जा रही है, तो दोनों की जो चालें है ना आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी कि स्पीड्स क्या रहेंगी, माइनस। और अगर एक ट्रेन सीधी आगे को जा रही है और एक अपोजिट में आ रही है तो उनकी स्पीडें क्या हो जाएंगी, वो ऐड हो जाती हैं, चालें प्लस हो जाती हैं, ये याद रखना आपको। और जो भी आएंगे हम 1-to-1 आगे प्रैक्टिस करेंगे तो और ज्यादा बेहतर होगा, आपने बस इनको प्रैक्टिस के लिए दिमाग में रख लेना है। 5/18 क्यों लेना है बेटा, किलोमीटरों को मीटर्स में बदलने के लिए, और मीटरों को किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 करना है। आई होप कि आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो ट्रेन चैप्टर से या डिस्टेंस एंड टाइम से जो है जुड़े हुए हैं वो सारा क्लियर हो गया। अच्छे से पहला क्वेश्चन आपका क्या लिखा है, 25 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है और किलोमीटरों में बदलना है, किसमें बदलना है, किलोमीटर्स में बदली, ठीक है, 25 से चाल चल रही है, अब 25 ये ले लिया, और मैंने क्या बताया है मीटर से किलोमीटरों में बदलना है, खुद लिख के दे रहे, 18/5 क्लियर हो गया, ठीक है जी, 5 × 5 = 25, 18 × 5 = 90, ठीक है जी,
18 बजे 90 यानी कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा कन्वर्ट। कहिए क्लियर है सबको? क्लियर है तो साथ साथ में बताते रहिए, ठीक है? किलोमीटर प्रति घंटा ये आपका आंसर रहेगा। आई होप कि सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, और मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि एक आराम से जो है आपको क्लियर करवाओ। अगला क्वेश्चन देखिए, चल भैया आ गया। नेक्स्ट आ जाता है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 180 मीटर चलती हुई एक रेलगाड़ी 180 मीटर लंबी है, वे सिग्नल को कितनी देर बाद पार करेगी? मतलब एक ये रेलगाड़ी है जो कि 180 मीटर लंबी है, ठीक है, और ये सिग्नल को पार करके जाएगी जो कि 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। तो बताइए कि ये सिग्नल को जब पार करेगी तो कितनी देर में पार करेगी? देर मतलब कितने समय में, कितने टाइम में ये यहां से यहां तक जो है वो क्रॉस होके जाएगी, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपने डिस्टेंस, स्पीड और टाइम ये दोनों लिख लिया करने, ठीक है। डिस्टेंस कितना हो गया इस वक्त? रेलगाड़ी अगर 180 मीटर लंबी है तो वो भी उसकी लेंथ जो है वो भी 180, ठीक है। तो वो डिस्टेंस यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई भी हर बार जो है वो क्या रहेगी? वो भी आपकी दूरी में ही काउंट होगी, क्योंकि उसने भी एक लेंथ को जो है वो कवर किया हुआ है, ठीक है। 180 मीटर चाल आपकी 72 किलोमीटर पर आवर दिया। अब टाइम आपसे यहां पर पूछा हुआ है। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे आप तो यहां पर देखिए यूनिटों में फर्क है, डिस्टेंस और स्पीड की यूनिट्स में फर्क है, क्योंकि 180 मीटर दिया है और चाल जो है वो किलोमीटरों में दी है। बस यहीं से कॉन्सेप्ट बन गया कि चाल कब चेंज होती है? तब होती है जब इसका किलोमीटर की बजाय मीटर्स में होता, यानी कि 72 मीटर पर सेकंड होता तो ना चेंज करते। चेंज कब करते हैं? जब यूनिट सेम ना हो। ये मेरी बात का सवाल का जवाब था। तो 72 गुना 5 बटा 18 और 18 चौके 72 और 5 चौके 20, तो ये आपकी चाल जो है वो बदल गई है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गई है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। अब टाइम किस तरह होता है बेटा? टाइम होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है? 180। स्पीड कितनी है? 20। जीरो से जीरो गया, दो ने कम दो, दो ना था तो 9, और टाइम से चल रहे हैं इसलिए ये आएगा सेकंड। सेकंड ही क्यों आया? क्योंकि हमने ये कन्वर्ट कर दी है चार, और जो चेंज की थी वो मीटर पर सेकंड में की है, तो बच्चों इसलिए ये आंसर जो है वो 9 सेकंड जो है वो इसका सही आंसर रहेगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है। कितनी लंबी है? 150 मीटर लंबी है। 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और अपनी विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही यात्री को कितनी देर बाद पार कर लेगी? क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करिए। एक रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी है 150 मीटर लंबी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको पता लग रहा है ये यूनिट्स जो है वो क्या है? अलग अलग है। विपरीत दिशा में, अपोजिट में, बंदा जैसे मरने को चला होता है वैसे उल्टा दौड़ रहा है, उसके पीछे भाग रहा है कि भाई मैं बस आगे से ट्रेन, बंदा सामने से, तो यानी कि दोनों की क्या हुई? विपरीत दिशा। क्या हुई? विपरीत दिशा हुई, और वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से
व्यक्ति जो है वो भागा आ रहा है या चल रहा है, ठीक है। तो रेलगाड़ी इस व्यक्ति को पार करके कितनी देर बाद चले जाएगी, टाइम निकालना है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो देखिए डिस्टेंस इसमें आ गया आपका 150 मीटर, स्पीड 54 किलोमीटर, टाइम आपको निकालना है। पर ये व्यक्ति भी आ रहा है, जब ये व्यक्ति आ रहा है तो मैंने आपको ये समझाया कि जब भी ये अपोजिट इन डायरेक्शन हो, क्या बोलो, अपोजिट इन डायरेक्शन हो, आमने सामने से जब भी कुछ हो रहा हो तो दोनों की चालों को आपस में क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, क्या कर देना, सॉरी एडिशन कर देनी है, क्या कर देनी है, एडिशन कर देनी है। सब्ट्रैक्ट कब करना है, जब पैरेलल में जाए ना, तो क्योंकि दोनों को आने से क्या बन रहा है, डिस्टेंस को कम हो रहा है, तो डिस्टेंस जब कम होगा तो दोनों में क्या होगा, समय जो है वो कम लगेगा, है ना। तो इसलिए जमा 6 कर दिए, अब कितना हो गया 60 किलोमीटर पर आवर। पर अभी ये किलोमीटर में ऊपर क्या है, मीटरों में, इसलिए बदलना पड़ेगा 60 को। तो 60 × 5/18, 6 × 6, 6 × 3 = 18, तो 50/3 मीटर पर सेकंड। बस यही छोटी छोटी बातें हैं जो हमें याद रखनी है, याद रख लेंगे तो आपके लिए बेहतर बात है और बहुत ही बेहतर तरीके से जो है वो क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो टाइम किसके बराबर होता है, टाइम होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों, 150, स्पीड कितनी होगी 50/3, यानी कि 150 × 3/50, 0 से 0 गया, 5 × 5 = 15 × 3 = 9 सेकेंड, यही आपका आंसर है, 9 सेकेंड जो है आपका सही आंसर रहेगा। आई होप कि आप सबको क्लियर हो गया होगा, सभी कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को साथ साथ में शेयर करिएगा, अगर पसंद आए तो एप्लीकेशन को भी शेयर करें, अपने होम पर जाकर वहां पर शेयर ऑप्शन है। अगला सवाल, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति देखता है कि उसके विपरीत दिशा में जाने वाली 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 9 सेकंड में उसे पार कर जाती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी, दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं आपके सामने, आप सभी इन क्वेश्चंस को लगा सकते हैं कि किस प्रकार से जो है आप करें इसको, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस है, थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है और कुछ नहीं है, ठीक है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी, मतलब एक रेलगाड़ी है ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, ठीक है। अब इस ट्रेन के अंदर बैठा बंदा है, वो देख रहा है कि उसके विपरीत दिशा में, विपरीत मतलब अपोजिट में, यहां बुलाते हैं बंदे को, यहां से देख रहा है विपरीत दिशा में एक रेलगाड़ी जा रही है जो कि 200 मीटर लंबी है, कितनी मीटर लंबी है, 200 मीटर लंबी है, और वो उसे 9 सेकंड में पार कर रही है, कितनी देर में पार कर रही है, 9 सेकंड में पार कर रही है। और अब दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है, यानी कि ये जो रेलगाड़ी गई है इसकी स्पीड निकाल, क्वेश्चन समझ आए। सबसे पहले अब आपको पता है कि ये रेलगाड़ी दी गई है और रेलगाड़ी की आपसे चाल पूछी गई है, तो आपको मालूम है कि दूरी डिस्टेंस जो है वो स्पीड इनटू टाइम के इक्वल होता है ना। अब देखिए ये किलोमीटरों में है और सारे मीटर और सेकंड्स में है, तो 30 को तो बदल ही लो, मगर जब 30 को तुम बदलोगे तो बेटा जी प्रॉब्लम ये है कि यहां पर तो है, यहां पर कैसे चलेगा, इसलिए आप इसको एक्स मान लो, क्या मान लो, एक्स, और वो भी किलोमीटर पर आवर। ये नहीं करना है
कि सर एक को हम किलोमीटर में मानेंगे एक को मीटर में, ना सेम सेम यूनिट में, तो 30 प्लस एक्स हो जाएगा, ये तो हो गया किलोमीटर पर आवर। अब चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, इस केस को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 किससे करेंगे जी, 5/18 से करेंगे, तो इसका मतलब जो स्पीड है वो हमारी ये आ गई। टाइम क्या दिया है बच्चों, सर टाइम दिया है 9 सेकंड। अच्छा डिस्टेंस कितना है सर, 200 मीटर, ठीक है जी। बस अब आपने कुछ नहीं करना है, आपने इसमें वैल्यूज को पुट कर दीजिए, डिस्टेंस आ गया आपका 200, स्पीड आपकी कितनी आएगी 30 × x 5/18, टाइम कितना है 9 सेकंड, मल्टीप्लाई 9 सेकंड। अब इसकी कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं, 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, 30 × x, अब क्या आएगा 200, ये आ गया आपका, और ये उल्टा हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 2/5, 5 से काट दीजिए, 5 × 20, 0 × 4 = 8, 80, 30 × x, 30 इस साइड आएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80 − 30, तो आंसर कितना आ जाएगा 50, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। और 50 ये जो है ये वैल्यू किसमें निकली, ये 50 जो है x जो 4 निकाली है वो किसमें निकली है, वो भैया हमने इसको मीटर पर सेकंड में बदल दिया था, 4 को किसमें बदल दिया था मीटर पर सेकंड में, इसलिए आपकी जो x की वैल्यू है जिसे आपने कंसीडर किया था x यहां पे किया था किलोमीटर में, फिर बाद में मीटर में कन्वर्ट किया है, इसलिए 50 मीटर पर सेकंड जो है वो इसका सही हल भी रहेगा। आई होप कि आपको जो है 50 मीटर पर सेकंड जो है वो इसका सही हल रहेगा, ये इसका सही आंसर। क्लियर है आपको तो बताएं, जरूर कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें साथ साथ में, क्लियर है सभी। इसी के साथ एक और क्वेश्चन लगा लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन एक और लगा लेते हैं तो अच्छा रहेगा, प्रैक्टिस अच्छी से हो जाएगी। पढ़िए इसको, कोशिश करने से ही तैयारी होनी है, ठीक है, कोशिश करिए, सभी कोशिश करिए। एक रेलगाड़ी है 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर रही है, पहले आप डायग्राम बना लिया करो, क्यों, क्योंकि इससे ना क्वेश्चन क्लियर हो जाता है बोलना क्या चाहता है, है ना। यदि रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है, देखिए 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 क्वेश्चन में मैंने क्या किया है, 450 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, ये है प्लेटफॉर्म जो कि 450 मीटर, ठीक है, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेन है और ट्रेन की लंबाई कितनी है 150, ठीक है बेटा, 20 सेकंड में पार कर रही है, चाल याद करनी है, याद रख लो कभी भी ट्रेन किसी पुल किसी सुरंग या प्लेटफॉर्म से होकर जाती है तो हर बार रेलगाड़ी की लंबाई और पुल सुरंग या टनल कुछ भी बोला हो, ठीक है जी, तो उन दोनों को आपस में प्लस कर दिया जाता है, एडिशन किया जाता है, तो डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है 450 × 150 कर देंगे तो 0, 5, 5, 10, 10 और 1, 600 कितना हो गया 600 मीटर, और ये क्या दिया हुआ है आपके पास 20 क्या है सेकंड, टाइम टाइम यानी कि 20 सेकंड। अब देखो कहोगे तो भैया सेम टू सेम आया ना, मीटर पर सेकंड बन रहा है तो हम छेड़खानी क्यों करेंगे, और चाल बराबर होती है दूरी बटा समय, तो दूरी आपकी कितनी होगी 600, समय हो गया 20, 0 से 0 गया, 2 × 2 = 2 होती है 6, तो 30 मीटर पर सेकंड।
जब तक आपको ये नहीं कहा है कि स्पेशली कि किलोमीटर पर आवर में निकालो, क्योंकि हम अभी जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो विदाउट ऑप्शंस कर रहे हैं। बाद में जब हम ऑप्शन वाइज करेंगे तब आपको ये आइडिया लगेगा कि सर क्या बोल रहे हैं, कि ऑप्शन पे भी हमें देखना पड़ेगा कि आंसर जो है वो किलोमीटर में दिया है या मीटर्स में दिया। अगर किलोमीटर में दिया है तो बेटा जी इसके आगे चेंज करना पड़ेगा, यानी कि 18/5 करके, और अगर ये यही पे है तो मीटर पर सेकंड आंसर होगा। यही दो सिचुएशन जो है वो इस क्वेश्चन के लिए बनती हैं, और आपने भी यही बनाकर दिमाग में डालनी है और देखिए मैच कर गया है। और ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में कितने पड़े हैं जरूर बताइएगा मुझे, और कमेंट करिएगा, वीडियो को भी शेयर करिएगा। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा, कल नए क्लास के साथ और नए क्वेश्चंस के साथ मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।